डियर फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कोल्ब्स रिएक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर बोर्ड एग्ज़ाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। मैं उस पर आज डिटेल डिस्कशन करूँगा, साथ में मैकेनिज्म भी बताऊँगा। सबसे पहले देखिए कोल्ब्स रिएक्शन है क्या। कहते हैं जब फिनॉल आपके पास प्रेजेंट है, अगर आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएं, सबसे पहले तो ये फॉर्म करता है सोडियम फिनॉक्साइड एंड ONA। फिर इसमें कहते हैं आप इसमें CO2 गैस पास कराइए। जब CO2 गैस पास कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये ONA के साथ यहाँ पे ये फॉर्म करेंगे C OH। ऑर्थो पोजीशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड एंड के पास यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड इंट्रोड्यूस होता है। फिर इसको हम सिंपल वाटर से हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास आसानी से यहाँ पे OH और C OH बन जाता है। दैट इज़ कॉल्ड सैलिसाइलिक एसिड बन जाता है। लेकिन अगर हम इसके मैकेनिज्म पे थोड़ा गौर करें कि कैसे हुआ, तो मैं फिर शुरुआत से आऊँगा। देखिए एक्चुअली ये पूरा एक रिएक्शन मैंने कंप्लीट लिया कि फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन में अगर आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप लाना चाहते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 प्लस H2 ला सकते हैं। देखिए होता क्या है, स्टेप नंबर 1 मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, पहली बात देखिए, एक फिनॉल लिया हमने OH। जैसा कि आप जानते हैं फिनॉल बहुत, तब जैसे इसको रिएक्शन में मौका मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये अपना H+ आयन रिलीज करता है। इट फॉर्म स्टेबल सोडियम फिनॉक्साइड आयन, बिकॉज फिनॉक्साइड आयन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, उसे कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, यहाँ से वाटर निकल जाता है। जब भी आप फिनॉल का रिएक्शन करें, कभी कोई बेस सामने डाला आपने, तो हमेशा रखना कि वो फिनॉक्साइड सोडियम फिनॉक्साइड तो बनेगा ही। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, स्टेप नंबर 2 में हमें देखना होगा जो हमने सोडियम फिनॉक्साइड बनाया है ONA यहाँ प्रेजेंट है, आपने लिया C OH CO2 मॉलिक्यूल हमारे पास है, CO मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो जब भी आप CO मॉलिक्यूल लेंगे यहाँ पे, तो प्रॉब्लम ये है कि देखिए CO का एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, ये कार्बन इज एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल जो यहाँ पे अटैक करेगा पाई बॉन्ड के पास। अब देखिए क्या होता है, जब ये ONA SH, अब देखिए यहाँ H प्रेजेंट है, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे O- बन जाता है और यहाँ पे प्लस चार्ज, बिकॉज देखिए यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे और कार्बन जब अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो ऐसा कुछ बनेगा O- डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ देखिए प्लस चार्ज है, कार्बन के पास सिर्फ यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 8 ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। उस कंडीशन में डबल बॉन्ड से ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और एक से बॉन्डिंग करेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन जब लिया तो चार्ज पे प्लस आ गया। फिर यहाँ पे क्या शुरू होगा, देखिए यहाँ से डिलोकलाइजेशन शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू कर देगा, देखिए कैसे घूमता घूमता जाएगा इस तरीके से, फिर यहाँ बॉन्ड बनेगा, फिर यहाँ प्लस आएगा, फिर यहाँ बॉन्ड, फिर यहाँ पे ONA और यहाँ पे H और यहाँ पे C OH- प्रेजेंट है। ऐसे घूमते हुए देखिए फिर अगेन क्या होगा, फिर यहाँ पे देखिए हमारे पास ये डबल बॉन्ड है तो ये तो रहेगा। अब देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पहुँचा, प्लस चार्ज यहाँ, अब ये बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर आ जाएगी, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। अब देखिए O और यहाँ पे NA प्रेजेंट है और यहाँ पे H और यहाँ पे C OH- प्रेजेंट है। अल्टीमेटली ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, देने के बाद क्या करता है, देखिए देने के बाद क्या होगा, इसके पास बेंजीन यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ प्रेजेंट है, उसके बाद जब H+ आयन यहाँ से बाहर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ऐसे ONA प्रेजेंट है, तो यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे C OH- के पास जो H+ आयन यहाँ से बाहर निकला था वो दोबारा O पे अटैक करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जब जंप करेंगे तो यहाँ बॉन्ड बन जाएंगे, तो अल्टीमेटली देखिए हमारे पास एक कंपाउंड बन गया, ये कंपाउंड ये है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है और यहाँ पे ONA प्रेजेंट है और यहाँ पे देखिए C OH प्रेजेंट है, इस तरह से बॉन्ड बनेगा। फिर अगर आप वाटर देंगे तो H+ आयन क्या करेगा, ONA पे अटैक करेगा, तब जाके आपके पास यहाँ पे देखिए ऐसे सैलिसाइलिक एसिड बन पाता है C OH और यहाँ OH। ये बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म है इसका। तो बेसिकली याद रखना है ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहे हैं और साथ में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन विथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दोनों काम हो रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट में एडिशन करते हैं, सेकेंड अटेम्प्ट में सब्स्टिट्यूशन, का मतलब H+ आयन जब बाहर निकलेगा इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करके चले जाएंगे। इस तरह से आई होप आप मुझे, मैंने शायद बताने में सक्सेसफुल रहा हूँ। आपको अगर बात मेरी समझ में आए प्लीज़ इसे
फीडबैक ज़रूर दें और समझाने की बताने की कोशिश करें। थैंक यू।